हमारी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। हमारे मम्मी पापा ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, जितनी उनकी कैपेसिटी थी जितनी वो करवा सकते थे, लेकिन जब हम थोड़ा बड़ा हो गए हमें अपने अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होता था कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमें कभी भी पावा को भी महसूस नहीं होने दी और कोई बात मेरी उन लोगों ने नहीं ठहरी। हमने बीच बीच में रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद हमारा उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मेरे पापा संघर्ष के दिन थे तो वो मेरे साथ थे। जब ऐसा समय आया कि जब वो ये सब चीज़ देख सके वो नहीं रहे। 2019 में हमारा सिलेक्शन हुआ नेशनल अवार्ड के लिए, हमें दिल्ली बुलाया गया। हौसलों से उड़ान सपनों की होती है, कुछ ऐसी ही कहानी और उसकी बहुत ही प्यारी सी जिंदगानी उसके बारे में हम आपको बताएंगे उसी की जुबानी जो सिर्फ भजन गाती है। आपका जो सफर था यहाँ तक आने में कैसा रहा और किस तरह से आपने संघर्ष? मैंने संघर्ष तो कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, ये कहना ठीक होगा। हाँ हाँ, क्योंकि जब हम 2 वर्ष के थे ना, जैसे कि हमने बहुत सारे चैनल पे ये सब बता चुके हैं। जब हम 2 वर्ष के थे ना तब हमें फीवर आया था और हमारे पाँव पोलियोग्रस्त हो गए थे, हमारी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। हमारे मम्मी पापा ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, जितनी उनकी कैपेसिटी थी जितनी वो करवा सकते थे, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। इसलिए हमारी स्कूलिंग भी नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट्स मेरे अनएजुकेटेड होने की वजह से उनका कुछ नॉलेज नहीं थी कि स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं, और किसी ने उन्हें गाइड भी नहीं किया। तो इसलिए, लेकिन जब हम थोड़ा बड़ा हुए हमें अपने अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होता था कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी हमसे कनेक्ट हो, थोड़ा हमसे हेलो हाय करे या हमसे मिलने की उसकी इच्छा हो। तो हम गाना सुना करते थे बचपन में रेडियो में, हमें बहुत शौक था गाना सुनने का, और जो भी गाना सुनते थे अगर हमें पसंद है तो उसे हम बहुत अच्छे से कॉपी कर लिया करते थे। तो हमने अपने पापा से कहा कि हमें गाना सीखना है। हमारे मम्मी पापा ने हमें कभी भी पावा को भी महसूस नहीं होने दी और कोई बात भी मेरी उन लोगों ने नहीं टाली। 2006 से हमने पहली बार 2006 में गाया लखनऊ फेस्टिवल के जो मंच पर युवा महोत्सव था उसमें, उसके साथ साथ हम अनेकों मंचों पे जो महोत्सव होते जैसे कि खादी महोत्सव, सरस महोत्सव, इस तरह के महोत्सव पे हमें मयंक रंजन जी गायन की प्रस्तुति करवाते थे हमारी। तो उसके बाद हमने बीच बीच में रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद हमारा उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी में भी ऑडिशन दिया भजन में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हमारे 12, 13, 14 इस तरह से मेरा गीत भजन प्रसारित भी हुए आकाशवाणी से, और 2012 से ही हमने प्रोफेशनली स्टेज शोज करना शुरू किए। लखनऊ में हमने अनेकों मंचों पे अपनी प्रस्तुति दी है गायन की, और अनेकों बार अनेकों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमें सम्मानित किया जा चुका। और उसके बाद हमको 2018 में 24 फरवरी 2018 में जो पहले हमारे गवर्नर साहब थे राम नायक जी, उन्होंने हमें सम्मानित किया। 2018 में ही 3 दिसंबर को उन्होंने हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया। 2019 में हमारा सिलेक्शन हुआ नेशनल अवार्ड के लिए, हमें दिल्ली बुलाया गया, और हमें 3 दिसंबर को 2019 में वेंकैया नायडू जी के हाथों नेशनल अवार्ड मिला, और उसी शाम हमें अवसर मिला राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद जी के साथ चाय पीने का शुभ अवसर मिला। यह हमारे लिए कल्पना थी कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम राष्ट्रपति भवन जाएंगे, कभी सपना ही है, अभी भी मुझे सपना जैसा लगता है। कभी ना रशिया जी, आप जैसे कि होता है कि आपने यहाँ तक की जर्नी बहुत मतलब माँ बाप की सपोर्ट से, माँ बाप के उससे आपने यहाँ तक बढ़ी, आगे बढ़ी, और आगे क्या करना चाहती है, क्या सोचा है कि और आगे कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। जिस कंडीशन में आपको, जिस तरह से आपको, और उसमें एक तरह से एक मिसाल है, उसमें सपोर्ट है घर वालों का, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं,
तो आगे आप क्या करना चाहते हो परिवार के लिए, क्योंकि हमने आपके वालिद को देखा है किस तरह से आपको ले जाते थे गोद में उठा जी जी, किस तरह से स्टेज पे बैठाते थे, खड़े रहते थे, आप अपना प्रोग्राम देते थे। तो क्योंकि होता है ना कि वालिद के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है जी जी परिवार के लिए, पर ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब मेरे पापा संघर्ष के दिन थे तो वो मेरे साथ थे, जब ऐसा समय आया कि जब वो ये सब चीज देख सके वो नहीं रहे। मानते हैं वो, पर उनका आशीर्वाद है। हाँ, वो मेरे साथ ही, अभी भी वो मेरे साथ ही रहते हैं। हमारा सपना है कि अभी हम पीएम सर से मिलना चाहते हैं दिल्ली। हाँ, हमने अनेकों शहरों गया है यूपी के, और हम दिल्ली में भी गाना चाहते हैं, और भजन में ही हमारा रुझान है। आगे हम अपना भविष्य में भी हम आगे भजन के ही प्रोग्राम करेंगे। शबीना, आपको कभी ऐसा नहीं लगता आप भजन गा रहे हो तो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करते हो, तो बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं इसमें, लोग बोलते हैं। स्टार्टिंग में बहुत बोलते थे लोग, अब नहीं बोलते, क्योंकि हमने किसी की परवाह नहीं की कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ लोग बोलना जानते हैं, हाथ पकड़ के कोई चलाना नहीं जानता, तो हमने किसी की बोलने की परवाह नहीं की। आज हम बोलने की परवाह किए होते तो यहाँ तक नहीं आते। जानेंगे कि सबीना कितना परेशान करती है अपनी माँ को। अब मगर हमारी बेटी आज जो है तो हमें बहुत खुशी है। वो आप लोग का संघर्ष हम लोगों ने देखा है, जिस तरह से आप हर प्रोग्राम में आप इनके पापा तो हर जगह काम करते थे। अगर मालूम है स्टेम जाना है, छोड़ के आ जाते थे, इनको लेके जाते थे। उन्होंने तो बहुत, आज भी कहती है अगर मैं जिस दिन परेशान होती हूँ तो मुझे सपनों में आते हैं, ये कहती है। और कहते हैं कि क्या हुआ बिटिया है, हाँ कभी कभी कहेगी अम्मी मुझे लेकर जा रहे कहीं, मुझे बताती है ये, और हम लोग को नहीं दिखते कभी, मगर इनको दिखते। ये है सबीना का परिवार, किस तरह से संघर्ष किया, और इस संघर्ष से बेटी ने भी उस अपने माँ बाप की एक पहचान बनाई और उसी पे लगातार लगी हुई है, कोशिश कर रही है। मैं रितेश सिंह, राजस्थान पत्रिका के लिए लखनऊ से।